नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय सेना के सर्वाधिनायक सेना अफसर जनरल बिपिन रावत के मौत को लेकर सोनाई विधानसभा केंद्र के बाबूला अहमद बड़बुआ द्वारा कई टिप्पणी किए जाने पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रतिनिधि दल सभापति अमितेश चक्रवर्ती ने थाने में दर्ज किया FIR। शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए हड़ताल कार्यक्रम का चौथे दिन लोगों में छाई हुई है तनाव के माहौल। कोविड संक्रमण के दौरान चिकित्सा परिसेवा ठप रखने का की जा रही है चेतावनी। कोयले की कमी की वजह से परेशानी झेल रहे हैं ईंट भट्टे के मालिकन। कछार के जिला उपायुक्त को परिसेवा सामान्य किए जाने के बारे में दिया गया स्मारक लिपि। सिलचर के गुरुचरण कॉलेज में ऋषि अरविंद की भावधारा में सनातन धर्म को आलोकमय किए जाने के उद्देश्य को सामने रख 5 स्वप्न पूर्ण किए जाने के मुद्दे पर आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। भाग लिया कई जाने माने दिग्गज हस्तियों ने। कछार जिले के कलाइन पत्थर खान में कलाइन के रेंज अफसर पिंकू देव ने 3 वाहनों को किया जब्त। गैर जिम्मेदाराना तौर पे तस्करी में जुटे थे वाहन। नजर डालते हैं आज के 20 तारीख समाचारों पर। भारतीय सेना के सर्वाधिनायक सेना अफसर भारतीय सशस्त्र वाहिनी के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बुधवार तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत को लेकर पूरा विश्व जहां शोक और मातम का माहौल में डूबा हुआ है, तो इसी दौरान कछार जिले के सोनाई इलाके के बाबूल अहमद बड़भुया नाम के एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक में टिप्पणी किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। मुद्दे को लेकर कछार जिला युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधि दल अमितेश चक्रवर्ती के साथ मुलाकात कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलचर सदर थाने में बाबूल अहमद बड़भुया के खिलाफ एक FIR दर्ज किया है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा है। जिला युवा मोर्चा के सभापति अमितेश चक्रवर्ती के साथ इस दिन के FIR दायर किए जाने के कार्यक्रम में संपादक शशांक चंद्रपाल, संपादक सौमित्र देव तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। कछार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुब्रत कुमार सेन के साथ मुलाकात कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने का मांग किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कछार जिलार पक्ष थेके आमरा बाबूल अहमद बड़बुइया नामेर व्यक्तिर उपर आमरा एकटी पेज करी। आमरा देखेछि जे ভারতবর্ষের এত সুনামধন্য ব্যক্তি যা যিনি CDS-এর মতো দায়িত্বে ছিলেন, এই দায়িত্বে থাকার পর উনি দেশের সেবায় সবসময় নিযুক্ত ছিলেন, উনি মারা গেছেন কালকে অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে। তারপর আমরা দেখেছি এই বাবুল আহমেদ বড়বুইয়া সুনাইর ব্যক্তি উনি ফেসবুকের মাধ্যমে বাজে বাজে মন্তব্য উনি ফেসবুকে তুলে ধরেছেন। আমরা এই ধরনের ঘটনার দীক্ষার জানাই এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি, এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার মানুষের উপর তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য, কারণ উনাদের এই ধরনের কমেন্ট বা পোস্টের জন্য সমাজে প্রতিক্রিয়া খুব বাজে আসতে চলেছে। আমরা চাই প্রশাসন যাতে এই ধরনের ব্যক্তিকে খুব তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করে উনাদের যে যোগ্য শাস্তি উনাদেরকে প্রদান করা হয়। कछार जिले के कलाइन विधानसभा केंद्र में पत्थरों की तस्करी जोरों पर चल रही है, लेकिन इसी दौरान वन विभाग के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं है। कलाइन रेंज अफसर पिंकी सिंह ने इस दिन खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारते हुए 3 पत्थर से लदे ट्रकों को जब्त किया और काले कारोबार से जुड़े लोगों को भी हिरासत में लिया है। बहरहाल तीनों जब्त के पत्थर के ट्रकों को कार्यालय में रखा गया है और कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है। पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए जूनियर डॉक्टर्स
नीट पीजी 2021 के काउंसलिंग परिचालना में देर किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। महिलाओं के साथ साथ प्रसूति विभाग और दूसरे कई क्षेत्र में परिसेवा ठप पड़ने की चेतावनी भी दिया जा रहा है। क्षेत्र चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर कॉलेज पिछले कई दिनों से अनिर्दिष्टकालीन धर्मघट किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। उनका कहना था कि चिकित्सकों के ऊपर दबाव बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, सरकार जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कर इनकी सहयोग करे और दूसरे व तीसरे वर्ष के छात्र छात्राओं के ऊपर जो चिकित्सा परिसेवा का दबदबा बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोई अहम कदम न उठाए जाने पर बृहत्तर आंदोलन गठन करने का चेतावनी भी दिया गया। সেটার জন্য আমাদের এই প্রোটেস্ট। তো নিট পিজি কাউন্সিলিং মানে আমাদের অলরেডি 30,000 ট্রেন ডক্টর যারা MBBS অলরেডি পাসড আউট, তারা শুধুমাত্র একটা কাউন্সিলিংয়ের অপেক্ষায় বসে আছে। 30,000 ট্রেন ডক্টর, তার সঙ্গে আরও 20,000 আছে যারা আপনার হাউস ফিজিশিয়ান। তো অলমোস্ট 50,000 ট্রেন্ড ডক্টর শুধুমাত্র একটা কাউন্সিলিংয়ের জন্য বসে আছে, মানে সাধারণ মানুষ 50,000 ট্রেন্ড ডক্টরের ট্রিটমেন্ট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন বর্তমানে যে কোনো হসপিটাল চালানোর জন্য ফার্স্ট ইয়ার পিজি, সেকেন্ড ইয়ার পিজি, থার্ড ইয়ার পিজি, তিনটে ইয়ারের পিজি লাগে। প্রেজেন্টলি আমাদের দুটো ইয়ারের পিজি কাজ চালাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার পিজি অ্যান্ড থার্ড ইয়ার পিজি। যেহেতু কোনো ফার্স্ট ইয়ার পিজি আসেনি তার জন্য অলরেডি 33.33% ডক্টর নেই, 66% ডক্টরকে দিয়ে আমরা কাজ চালাচ্ছি বর্তমানে জন্য, মানে আইসিইউ ডিউটি, কোভিড ডিউটি সব কিছু মিলিয়ে 90 জন ডক্টর আরও 3-4 মাস পরে থাকে। তার সঙ্গে যদি কোভিড অ্যাড হয়, মানে কোভিডের থার্ড ওয়েভ যদি আসে, এত বিপুল পরিমাণ ডক্টরের ক্রাইসিস কোটা থেকে মেটানো যাবে, সেটার জন্যই আমাদের এই প্রোটেস্ট। আপনার এখন আন্দোলন কতজন ডাক্তার আছেন? আমরা বর্তমানে 180 জন ডক্টর এখানে আছে। এমার্জেন্সি ডিউটি আমাদের আছে, এমার্জেন্সি ডিউটি যারা করছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে আপনার 180 জন আছে? আন্দোলনকে সাপোর্ট করছি 180 জন ডক্টর, আন্দোলনে আছি যারা এমার্জেন্সি ডিউটি করছে তাদের ছেড়ে দিয়ে বাকি সবাই আছি। তার কারণ আমরা এখনও ফিল করি যে সাধারণ মানুষ এমার্জেন্সি সার্ভিস যেন পায়। লেবার রুম এখানে অন আছে, আইসিইউ সার্ভিস, কোভিড আইসিইউ এগুলো সব অন আছে, এমার্জেন্সি ডিউটি, মেডিসিন এমার্জেন্সি, সার্জারি এমার্জেন্সি এগুলো অন আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। রাজ্য কে সাথে সঙ্গতি রাখতে হুয়ে বরাঘাট কে তিনো জেলে মে ইট ভট্টে কে মালিক সুচারু কয়লা ন মিলনে পর উৎপাদন পর বড়ে তরহ প্রভাবিত হো রহে হ্যায়। गौरतलब है कि कोयले की कमी की वजह से ईंट भट्टे को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा पा रहा है और उत्पादन भी ठप पड़ा हुआ है। जल्द से जल्द कोयले के भुगतान व सरबराह सामान्य किए जाने के मांग को सामने रख कचार के उप जिला उपायुक्त राजीव राय के साथ मुलाकात कर ईंट भट्टा मालिक व सीमेंट स्टील मालिक संस्थान के कार्यकर्ताओं ने एक सभा का आयोजित किया। सभा में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। ब्रिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के सभापति उदय शंकर गोस्वामी ने कोयला सही वक्त पर न मिलने पर ईंट के भट्टा बंद हो जाने का भी जानकारी दिया। साथ ही कई और पहलुओं को लेकर उनको जानकारी दिया गया और बाद में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। मेघालय सरकार व राज्य के कई क्षेत्र में कोयले की कारोबार लगभग कई इलाके में ठप पड़ने पर लोग परेशान हैं और इसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ रहा है। ওরা বলছেন যে আমরা 80,000 টাকা ব্ল্যাক মানি ব্যাপারটা সেকেন্ডারি ব্যাপার হচ্ছে, যদি আমি চুরির কয়লাই আনতে হয় তো আমাকে জেলে যেতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রিটা বন্ধ হবে। তাই আমাদেরকে এটা রেগুলারাইজ করে যাতে আমরা একটা রিজনেবল রেটে কয়লা পাই। এখন আমার কয়লা গতবার এসেছে ধরুন 8-9 হাজার বা 10,000 পার মেট্রিক টন। এই কয়লাটা যদি 20,000 টাকায় আসে তো এটার দামটা কোথায় যাবে দেখুন, চিন্তা করুন। তো এই দামে কন্ট্রাক্টাররা এই কাজ সার্জার করে দেবে, কারণ ওরা এই ডাবল দাম হয়ে গেলে ওরা কাজ করতে পারবে না। এবং আমরাও যারা, আমি বিল্ডার হিসাবে আছি, আমরাও যারা বিল্ডিং বানাচ্ছি, আমরা ইট না পেলে তো আমরা মানে সেল করব কি প্রাইসে? আমাদের তো এক্সরবিটেন্ট একটা প্রাইস বলতে পারবো না আমাদের কাস্টমারকে।
तो इंडस्ट्रीटा नष्ट हो तो आज के जे ईट भाटार मालिकरा आरा तो पथे बस भी संगे संगे लेबर वरा छेड़े देवे तारपर किन्तु आगामीते आमादेर एखाने ईटेर एतो क्राइसिस होबे जे क्राइसिसेर जन्य गवर्नमेंट वार्क बंद हो जाबे एवं यो आपनार प्राइवेट जे आमरा कन्स्ट्रक्शन होच्छे सबगुलाई बंद हो जाबे तो ये जिनिसटा आपनादेरके आमार आपनादेर मार्फते आमार एकटा अनुरोध आपनारा ये जिनिसटाके एकटु भालो करे तुले धरुन जाते आमरा लीगली जा टैक्स लागे जीएसटी बोलुन जा बोलुन रॉयल्टी बोलुन आमरा दीते राजी आछि एबं आमरा कोयला आमादेरके चाई एइटाई आपनादेर काछे आमार समाचार हम लेते एक छोटा सा विराम। फार्निशिंग पॉइंट शिलंग पट्टी रोड शिलचर फार्णिचारे जगते उत्तर पूर्वांचलेर एकमात्र निर्भरजोग्य प्रतिष्ठान फार्निशिंग पॉइंट अत्यंत कम खरचे और सुलभ मूल्य मजबूत टिकसई फार्णिचार किनते होले आज ही पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंग पट्टी शिलचर एखाने आपनारा पाच्छेन बेडरूम सेट सोफा सेट प्रिमियम चेयर फ्रीडम चेस्टर स्मार्ट फार्णिचार एवं रकमारी प्लास्टिकेर आइटेम এছাড়াও নীলকমল কার্লন কসমো এবং নীলপার শিলচর। आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही समाचारों के अगले चरण में ऋषि अरविंद की भावधारा को सनातन धर्म में लाए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा पांच स्वप्न पूर्ण किए जाने के मुद्दे को लेकर एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया। सिलचर के गुरुचरण कॉलेज में आयोजित इस दिन के इस कार्यक्रम में ऋषि अरविंद के जीवन आदर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। प्रमुख वक्ता के रूप में दिगंत विश्व शर्मा मौजूद थे। परिवहन आधिकारिक उच्च पदस्थ अपनी नौकरी को छोड़कर आध्यात्मिक जिंदगी में अपने आप को खींच कर लाए हैं। गौरतलब है कि कई क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इस दिन के कार्यक्रम में महापुरुष शंकरदेव महापुरुष रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ऋषि अरविंद तथा सनातन धर्म की आध्यात्मिकता दार्शनिक स्वास्थ्य दिव्यानुभूति तथा कई और पहलुओं पर आलोकपात किया गया। कार्यक्रम में अध्यापक ज्योतिलाल चौधरी अध्यक्ष विभास देव प्रोफेसर निरंजन राय डॉक्टर राजश्री पाल विधायक दीपान चक्रवर्ती व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। दीपो संध्या नमोस्तुते शुभम। प्रचार जी, आई वुड मोस्ट हमली रिक्वेस्ट श्री अरविंद करते अवश्य पृथ्वी जदि आरो एकटु ग्रहिष्णु हत তাহলে হয়তো এর প্রয়োজন হতো না।
তাহলে শ্রী অরবিন্দ কে ছিলেন? শ্রী অরবিন্দ কে ছিলেন? আমরা জানি শ্রী অরবিন্দ মহাযোগী ছিলেন, মহাযোগী ছিলেন, মহাবিপ্লবী ছিলেন, মহাযোগী ছিলেন, মহাবিপ্লবী ছিলেন, মহারিষি ছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের জ্ঞানগুরু, ভারতের বিপ্লব পুঠের জ্ঞানগুরু, পূর্ণ স্বরাজের প্রথম প্রবক্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। ওই শুনানির একেবারে শেষ দিন, আর শেষ শুনানিটা হয়েছিল 31 মার্চ 1909 সাল, আর শ্রী অরবিন্দের একুইটেল হয়েছিল 6 মে 1909 সাল। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। भारतीय सेना के सर्वाधिनायक सेना अफसर जनरल बिपिन रावत के मौत को लेकर सोनाई विधानसभा केंद्र के बाबूलाल अहमद बड़गुया द्वारा कई टिप्पणी किए जाने पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रतिनिधि दल सभापति अमितेश चक्रवर्ती ने थाने में दर्ज किया FIR। शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए हड़ताल कार्यक्रम का चौथे दिन लोगों में छाई हुई है तनाव के माहौल। कोविड संक्रमण के दौरान चिकित्सा परिसेवा ठप रखने का की जा रही है चेतावनी। कोयले की कमी की वजह से परेशानी झेल रहे हैं ईंट भट्टे के मालिकन। कछार के जिला उपायुक्त को परिसेवा सामान्य किए जाने के बारे में दिया गया स्मारक लिपि। सीजर के गुरुचरण कॉलेज में ऋषि अरविंद की भावधारा में सनातन धर्म को आलोकमय किए जाने के उद्देश्य को सामने रख 5 स्वप्न पूर्ण किए जाने के मुद्दे पर आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। भाग लिया कई जाने माने दिग्गज हस्तियों ने। कछार जिले के कलाइन पत्थर खान में कलाइन के रेंज अफसर पिंकू देव ने 3 वाहनों को किया जब्त। गैर जिम्मेदाराना तौर पर तस्करी में जुटे थे वाहन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।